सूर्य सिद्धांत के इस 41वें भाग में हम ज्ञा साधन को ही ज्ञा साधन विधि को ही आगे ले चलते हैं। राशि का जो आठवां भाग है एक प्रथम ज्ञातः होता है, फिर उसके बाद उससे द्वितीय ज्ञातः का साधन कैसे करना है यह हम 15वें श्लोक में देखे थे। तत्त विभक्त लब्धो न मिश्रितम द्वितीयकम करके जो आया था वहां पर, यहां फिर अगले श्लोक में जाने से पहले हमें एक चीज फिर समझ लेना है। यहां ये जो ज्याखंड का जो विभाजन हुआ, जैसे हम 96 भागों में बांटे, क्योंकि हम राशि का आठवां भाग ले रहे हैं, तो एक राशि में 8 खंड हो गए, 8 ज्याख हो गए और 12 राशि में 96 हो गए। जब हमने इसको ऐसे बीच से भाग किया, बंटवारा किया, तो ये तीन तीन राशियों का एक एक पाद हो गया। और इस एक एक पाद में यदि 96/4 करेंगे तो 24 आएंगे। तो यहाँ हमें एक ध्यान रखने की बात क्या है, यहां से यहां तक ये 24 अंश है, फिर यहां से यहां तक मतलब 24 नहीं, यहां से यहां तक ये 225 कला है, फिर यहां से यहां तक ये भी 225 कला है, ये भी 225 कला है। तो फिर हम प्रयास किस चीज का कर रहे हैं, मैंने 225 कलाओं में हमने इसको बांट दिया ऐसे। फिर हम क्या देख रहे हैं, इन 225 कलाओं के बाद जहां ये दोनों बराबर में हैं, 225 कला ये हैं, 225 कला यह ज्याखंड है, ये ज्ञात है, तो उसके बाद ये कितना ज्यादा बढ़ेगा अगले 225 कला में, फिर उसके अगले 225 में ये कितना आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये कितना आगे बढ़ेगा, इसी चीज को आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। इसको नाम क्या दिए आचार्य, ज्याखंड, माने इससे इसका और इसका जो पहले और दूसरे का जो अंतर आ रहा है ज्या का खंड, उसको कैसे साधन करना है वो बता रहे थे वहां पर आचार्य जी। और यहाँ बढ़ोतरी चाप में तो उतना ही है, 225 में 225 जुड़ा, यानी यहाँ 450 कला का वह चाप है, तो फिर उसका 449 कला का वहां ज्यार्थ बना, फिर उसके बाद 225 कला और जोड़ दिया 450 में, यानी 675 हो गया कला में। ऐसे 225 कलाओं में पूरा हर जगह में ये जितने भी ऐसे हम टुकड़े किए हुए हैं, जितने भी आचार्य विभाजन किए हुए हैं, वो क्या है, 225 कलाओं का है। हम एक जगह में साधन कर लेते हैं 24 को, यही 24 यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी होंगे। इसी कारण से आचार्य 24 ज्ञार्थ पिंडों का अर्थात 24 ज्ञा का साधन बताया हुआ है यहाँ पर। इसमें हम द्वितीय तक पहुंचे थे, उसमें पहले में क्या हुआ था 225 कला और दूसरे में हुआ था 449 कला। अब आगे जो बचे हुए ये जो ज्ञा पिंड है, ज्ञार्थ पिंड जिनको आगे जाके हम ज्ञा पिंड के नाम से ही व्यवहार करते हैं, उनका साधन कैसे करना है आचार्य बता रहे हैं। 16वां श्लोक, आद्येनैवं क्रमात् पिण्डान्। आद्येनैवं क्रमात् पिण्डान्। भक्त्वा लब्धो न संयुता। खंडकाः स्युः चतुर्विंशत् ज्यार्थपिण्डाः। ये है स्पष्टाधिकार का 16वां श्लोक। अब क्या कह रहे हैं आचार्य जी, आद्य
आद्येना यानी जो प्रारंभिक है, पहला है, पहला क्या है 225 कला का ज्याख्यान। आद्येना एवं, एवं यानी इस प्रकार से क्रमात पिंडान भक्त्वा, पिंडों का भाग लेकर, यहां जो ज्या पिंड आया है उसको भाग लेकर, भक्त्वा भाग लेकर, लब्ध ओन समझता, लब्ध को ऊन करेंगे और संयुत करेंगे, यह यही समझना है। ऊन हम किसमें करेंगे और संयुत किसमें करेंगे, जब हम पहले को, दूसरा तो हमारे पास आ गया, पहले से हम भाग देंगे तो पूरे को भाग देंगे, पूरे को भाग देने के बाद उसको क्या करेंगे, जो लब्धि आया उसको ऊन करेंगे, घटाएंगे, किसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, इस ज्याखंड में घटाएंगे। क्यों इस ज्याखंड में घटाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते, आगे बढ़ते बढ़ते ये जो मान है, ये जो अंतर है, ये घटना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम प्रथम ज्यापिंड से द्वितीय ज्यापिंड को मैंने भाग देने के बाद, हर जगह हम प्रथम से ही भाग देंगे। क्यों इसे भाग देंगे प्रथम से ही, प्रथम में क्या ऐसे चमत्कार है, प्रथम में क्या ऐसे विशेषता है, तो यहाँ आचार्य अलग से नहीं बताएंगे, किंतु हमें यह स्पष्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम अंतर 225 कला को ही लिए हैं, तो यहाँ आचार्य ये भी कह सकते थे कि 225 कलाओं से भाग लेकर, किंतु यहाँ उनको सुविधा है कि यहाँ श्लोक निर्माण में बताने में भी सुविधा है, तो कह रहे हैं कि आद्य ना, आद्य जो ज्याखंड है उससे भाग दीजिए। यहाँ आद्य कहिए अथवा 225 कला कहिए, दोनों एक ही आएंगे। आद्य एवं क्रमात, एक एक जो ज्याखंड आपको आता गया उसको पहले से भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो आता है उसको इस अंतर में से घटाना है, क्योंकि ये जो अंतर है, एक एक ज्याखंड के बीच के जो अंतर है, ये जो टुकड़ा है, यही टुकड़ा धीरे धीरे घटता जाएगा। पहले और दूसरे में जो अंतर है वो अंतर आगे में धीरे धीरे कम होता जाएगा। 225 का अंतर तो आएगा नहीं, ये तो स्पष्ट है। तो 225 से पहले और दूसरे में क्या आया, 224 कला का अंतर आया, धीरे धीरे ये अंतर घटता जाएगा। इसलिए हमने जब लब्ध को ऊन कर दिया तो हमें क्या आया, ये टुकड़ा आया, आगे भी ऊन किया ये टुकड़ा आया, आगे भी ऊन किया ये टुकड़ा आया। फिर इसको क्या कह रहे हैं, समझौता, असमझित किसमें करेंगे, जैसे हम दूसरा निकाल रहे थे, इस टुकड़े को पहले में जोड़ दिए दूसरा आ गया, और हम तीसरा निकाल रहे थे, इस टुकड़े को दूसरे में जोड़ दिए तो तीसरा आ गया। तो संयुक्त जो शब्द है उस संयुक्त हम ये कहाँ करना है, पिछले ज्याख में करना है, और ऊन जब करना है तो पिछले ज्याखंड में करना है, अर्थात ये जो टुकड़े आया है इसमें किया है। ठीक, आद्येन एवं क्रमात् पिण्डान् भक्त्वा लब्ध्वान् संयुता, यहाँ तक कर दिए। क्या होंगे, खंडकाः स्युः चतुर्विंशत्, चतुर्विंशत खंडकाः स्युः, 24 खंड सामने आएंगे। ज्यार्थ पिण्डाः क्रमात् अमि, ज्यार्थ पिण्डाः क्रमात् अमि, क्रमात् ज्यार्थ पिण्डाः, माने इनसे क्रम से ज्यार्थ पिण्ड, जिसको हम ये कह रहे हैं ज्या नाम से जान रहे हैं, इस ज्यार्थ पिंड हमें क्रम से आ जाएंगे। उदाहरण के लिए 225 आया, उसके बाद उन्होंने पिछले श्लोक में कहे थे कि तत्त विभक्त लब्धान मिश्रितम तद्वितीयकम, इसको इसी से भाग दिए, एक आया उसको उसी में से घटा दिए, 224 आया, यानी ये 224 ये है, इतना इस 224 को पहले वाले में जोड़ दिया, 225 प्लस 224 किया 449। अब आगे इस प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, ये खास करके हमें प्रक्रिया अपना के निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब निश्चित है, ये खंड जो 24 है उनका जो मान है यह निश्चित है, यह पाठ पठित है, आचार्य आगे क्या पिंड आएगा क्या मान आएगा वो भी बता देते हैं, किंतु यहां निशेषम
ते कथयिष्यति जो शब्द है सूर्य सूर्य का, सूर्यांश पुरुष तुमको निर्वशेष बता देगा ये जो बात है, तो यहाँ कोई शंका को, किसी भी प्रकार की शंका को मस्तिष्क में छोड़ना नहीं था आचार्य को। फिर आगे चलते हैं, यहाँ हमें दूसरा जो ज्यादित आया था वो था 449। इस 449 को क्या करेंगे, आद्येन आद्येन भक्त्वा, इसको आद्य से भाग दे दिया तो आएगा लब्धि दो। इस पर हम विचार बाद में करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्वल्पांतर होने के कारण दो लेते हैं आचार्य। ये पहले की गणित विधि, इसको आप स्थूल कहिए, सूक्ष्म कहिए अथवा उद्दिष्ट कहिए, यह निर्णय आप ग्रंथ को पूर्ण करने के बाद ही और हरेक बिंदु पे विचार करने के बाद ही आप इस निर्णय पे आ सकते हैं। यहाँ पर आचार्य का कथन है कि स्वल्पांतर होने से के कारण हम दो का ग्रहण किए, तो हो गया आद्य एवं क्रमापिंडान भक्त्वा। लब्ध को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे किसमें, इसके पहले का अंतर कितना था, यहाँ 224 था, ये आया 222, ये ज्याखंड आया है, ये वाला टुकड़ा यहाँ का अंतर आया है। जैसे ये बोला खंडका स्यु चतुर्विंशत, ऐसे 24 तो आ जाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे किसमें, हमारे दूसरे जो ज्या पिंड है उसमें, दूसरा ज्या पिंड है 449, इसमें को जोड़ दिया, कितना हुआ 671। आपको याद होगा 225 जोड़ा 450, 450 225 जोड़ा 675 कला, 675 कला का ज्या कितना होगा, तो 671 कला। यहां तो ये चाप है, 675 कला के चाप का ज्या कितना होगा, 671। फिर आगे यही आप अपनाइए, आद्येन एवं क्रमापिंडान आद्येन भक्त्वा, स्पष्ट बात वही है जैसे मैं यहां बोला था, स्वल्पांतरात स्वल्पांतर से तीन आया, इस तीन को हम घटाएंगे कहां, जो द्वितीय जो ज्याखंड आया कितना 222, 222 में से हमने घटा दिया 219। फिर इस 219 में क्या करेंगे हम, इस तृतीय ज्याखंड में जो 671 आया इसमें जोड़ देंगे, 671 219, यहां पर क्या आया 890 कला का, यह चौथा ज्याखंड हुआ। इस प्रकार इसी क्रम को आद्येन एवं क्रमापिंडान भक्त्वा लब्ध्वा संयुता, इसी क्रम को हम आगे चलते चलते चलेंगे, तो ये 24 ज्याखंड ज्यापिंड ज्याखंड सहित यहां उपलब्ध हो जाएंगे। यह है स्पष्टाधिकार का 16वां श्लोक, जिसमें आचार्य 24 ज्या पिंडों के साधन का विधि बताया है। आद्येन एवं क्रमापिंडान भक्त्वा लब्ध्वान संयुताः खंडकाः स्युः चतुर्विंशत् ज्यार्थपिंडाः क्रमादमी। फिर मिलते हैं अगले भाग में।